हेलो स्टूडेंट दिस इज़ क्लास फिफ्थ सोशल स्टडी चैप्टर टू इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन चैप्टर फर्स्ट वी लर्न हाउ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम बिगेन्स इन इंडिया एंड द रोल ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। इन दिस चैप्टर वी वी लर्न हाउ दिस फ्रीडम स्ट्रगल एडवांस एंड हाउ इंडिया फाइनली बिकम इंडिपेंडेंट इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं किस तरीके से 1857 का जब रिवॉल्ट फेल हो गया था जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था तो किस तरीके से इंडिया ने एडवांस स्ट्रगल किया फ्रीडम के लिए और फाइनली उसको किस प्रकार से फ्रीडम मिली इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया डिवीजन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट लेट द डिविजन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंटू टू डिफरेंट ग्रुप अब हुआ क्या कि जब बंगाल पार्टीशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस को को फेलियर के रूप में देखा गया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेम्बर थे उनके बीच में क्या वो दो पार्ट में बट गए एक थे एक्ट्रिमिस्ट और दूसरे थे मॉडरेट एक्ट्रिमिस्ट जो थे वो ये मानते थे कि जब तक क्या होगा एजिटेशन मतलब आंदोलन नहीं होंगे बायकॉट्स नहीं होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का तब तक वो क्या करेंगे वो है, भारत को छोड़ेंगे नहीं भारत को आज़ाद नहीं करेंगे और मॉडरेट मानते थे कि हमें जो है नॉन वायलेंस का सहारा लेते हुए क्या करना है अपना इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है वो जारी रखना है इसलिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में अब मीटिंग वॉज शेड्यूल्ड इन द नागपुर वे आर द एक्सट्रीमिस्ट वे आर इन फेवर ऑफ गा बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय एज द प्रेजिडेंट वाई डॉक्टर घोस वॉज प्रिफर्ड चॉइस ऑफ मॉडरेट आप उस मीटिंग में यह है बुक में नहीं दिया आपका नाइनटीन हंड्रेड सेवन की बात है वहाँ मीटिंग हुई उस मीटिंग में जो एक्स्ट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय जो है वो क्या बने प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के मीटिंग कहाँ होना था नागपुर में होना था लेकिन मॉडरेट चाहते थे कि डॉक्टर घोष जो हैं वो क्या बने प्रेसिडेंट बने आईएनसी के द वेन्यू ऑफ मीटिंग वाज चेंज टू सूरत बाय गोखले हु फेयर डेट तिलक वुड बिकम द प्रेजिडेंट और ये देखते हुए जो गोखले थे उन्होंने क्या किया जो वेन्यू था जगह थी मीटिंग की कहाँ थी नागपुर में उसको चेंज कर दिया कहाँ सूरत में उन्हें डर था कहीं कि तिलक जो है वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे और वो नहीं चाहते थे कि एक्टिविस्ट में से कोई प्रेसिडेंट बने और इस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस दो है दो पार्ट में डिवाइड हो गई एक्टिमिस्ट एंड मॉडरेट में लखनऊ पैक्ट एन एग्रीमेंट विच टुक प्लेस बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस केम टू बी नोन एज लखनऊ पैक्ट लखनऊ पैक्ट क्या है एक एग्रीमेंट था किसके बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में उसको कहा जाता है लखनऊ पैक्ट मोहम्मद अली जिन्ना हु वॉज देन मेंबर ऑफ आई एन सी बिकम द एम आई लीडर एम एल लीडर अब उस समय क्या था मोहम्मद जिन्ना जो थे वो क्या थे मैंबर भी थे किसके इंडियन नेशनल कांग्रेस के और वो क्या बन गए थे मुस्लिम लीग के लीडर भी बन गए थे बिकॉज ऑफ द लखनऊ पैक्ट ब्रिटिश वर फोर्स टू एम्ब्रेस अ मोर लेबर अप्रोच प्रोवाइड मोर ऑथोरिटी टू इंडियंस एज वेल एज प्रोटेक्ट द डिमांड्स ऑफ मुस्लिम अब क्या असर रहा लखनऊ पैक्ट का जो एग्रीमेंट uh, था वो क्या था कि जो ब्रिटिश को फोर्स किया जाए कि वो और लेबर हों ठीक है उनके क्या हो लिबरल मतलब वो लोग नरम नरमता अपनाएं ठीक है इंडियंस के प्रति और मुस्लिम के जो डिमांड है उनकी भी सुरक्षा करें ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ एम्बेजर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बाय सरोजनी नायडू द नाइट एंगल ऑफ इंडिया और उस समय सरोजनी नायडू जिनको नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था क्यों क्योंकि उनको टाइटल मिला था उनकी पोइट्री लिखती थी वो इस वजह से उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को क्या टाइटल दिया एम्बेजर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल दिया और इस वजह से लखनऊ पैक में जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ, साथ आगे किस लिए टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश ब्रिटिशों के विरोध लड़ने के लिए द रिलेशन बिटवीन द टू ग्रुप ऑफ आई एन सी बिकम कॉलडियल एट द रिजल्ट ऑफ लखनऊ पैक्ट अब हुआ क्या इस लखनऊ पैक्ट में एक और अच्छी चीज़ हुई जो डिवीजन हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक्ट्रीमिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट और किस में मॉडरेट के बीच वो भी खत्म हो गया द टू ग्रुप पर नोन एज सॉफ्ट फैक्शन और नरम दल हु वेयर बेसिकली द मॉडरेट गाइडेड बाई गोपाल कृष्ण गोखले एंड हॉट फैक्शन आ गर्म दल हु वॉज एक्ट एक्स्ट्रीमिस्ट एंड गाइडेड बाई बाल गंगाधर तिलक तो जो दो ग्रुप थे एक ग्रुप जो कि जिनको क्या कहा जाता था सॉफ्ट फैक्शन नरम दल वो एक्ट कौन थे मॉडरेट थे और उनको कौन लीड करा था गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उनके लीडर थे लीड गाइड कर रहे थे उनको और हॉट फैक्शन जो था गर्म दल जिसे कहा जाता था वो कौन थे एक्स्ट्रीमिस्ट थे उनको गाइड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक इट मीन्स बाल गंगाधर तिलक जो थे लीडर थे किसके एक्टिविस्ट के और गोपाल कृष्ण गोखले जो लीडर थे वो मॉडरेट के लीडर थे और लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग तो साथ आई 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 एन सी के ये दोनों ग्रुप भी क्या हो गए एक हो गए गांधी जी एंड द फ्रीडम स्ट्रगल मोहनदास करमचंद गांधी

अफ्रीका में उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस करी अपने इन 1950 फिफ्टी गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका और 1950 में गांधी जी कहाँ इंडिया लौट के आए साउथ अफ्रीका से आफ्टर लुकिंग एट द सिचुएशन ऑफ इंडियंस ही अनाउंस द सत्याग्रह मूवमेंट ही फॉर्म एन अलायंस बिटवीन द इंडियन एंड द लोकल ब्लैक पीपल टू फाइंड अगेंस्ट द वाइट गवर्नमेंट अब उन्होंने हालत देखी भारत की भारतीयों की हालत देखी वहाँ से जब आए तो उस हालत को देख के उन्होंने क्या अनाउंस किया सत्याग्रह करने का सत्याग्रह मोमेंट का अनाउंस किया और उन्होंने क्या किया अलाइंस किया किस किस के साथ भारतीयों के साथ और जो लोकल लोग थे लोकल ब्लैक पीपल थे ए, उन लोगों को मिलाकर कि हम लोग वाइट गवर्नमेंट के साथ दो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके साथ लड़ेंगे गांधी जी एन इम्पोर्टेंट लीडर इन दिस मूवमेंट हु वाज ग्रेटली अप्रिसिएटेड बाय द वेस्टर्न कंट्री स्पेसिफिकली हु अंडर कॉलोनियल रूल्स फॉर टेकिंग द टेकिंग द मूवमेंट फॉरवर्ड इन द पीसफुल मैनर आप गांधी जी जो हुआ इस मूवमेंट में सब लोगों ने तारीफ करी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थी उन लोगों ने भी तारीफ करी स्पेशली वो कंट्रीज जो किसमें थी जो कॉलोनी रूल के अंतर्गत आती थी मतलब जो पहले से ही ग़ुलाम थी और किस लिए तारीफ़ करी कि जो क्या है मूवमेंट गांधी जी कर रहे थे जो शांति प्रिय तरीके से गांधी जी मूवमेंट कर रहे थे उसकी तारीफ की गई गांधी जी हैज़ प्लेड प्रमिनेंट रोल स्टार्टिंग एंड लीडिंग मूवमेंट इन कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका एंड यू एस से डिमांडिंग फॉर सिविल राइट्स और गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कहाँ पर प्रोमिनेंट मीस महत्वपूर्ण ठीक है रोल uh, जो उन्होंने कहा किया था साउथ अफ्रीका और यूएसए में जो उन्होंने डिमांड के लिए कि सिविल राइट्स जो थे लोगों के उसके लिए जो आंदोलन किया था उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी द नॉन वायलेंस मूवमेंट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वॉज स्टार्टेड ड्यू टू दरस्पोंडेंस एक्सचेंज बिटवीन द लियो टॉस्टॉय एंड गांधी जी अब नॉन वायलेंस मूवमेंट अहिंसा वाला जो मूवमेंट था आज़ादी के लिए वो स्टार्टेड हुआ गांधी जी और लियो टोल्स्टाई के करस्पोंडेंस एक्सचेंज उनके आपस में जो बातचीत हुई उन लोगों ने तय किया कि किस तरीके से करना है ही वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम एज ड्यू टू दिस देयर वुड ऑलवेज बी डिवीजन बिटवीन द पीपल ऑफ़ इंडिया एंड द ब्रिटिश वुड ऑलवेज रिमेन पावरफुल अब गांधी जी को क्या लग रहा था कि उनको लगा कि जो हमारे यहाँ क्या है जाति प्रथा की जो है जाति प्रथा चली आ रही है वो जो है वो बिल्कुल गलत है और जो ब्रिटिश हैं वो इसी की वजह से ज़्यादा पावरफुल बने हुए हैं क्योंकि लोग बटे हुए जाति के आधार पे लोग बटे हुए हैं और इसलिए ब्रिटिश ज़्यादा पावरफुल है ही ऑल्सो बिलीव इन हैविंग वन कॉमन लैंग्वेज फॉर द होल कंट्री और उन्हें ऐसा भी लगता था कि समस्त भारत की यदि एक लैंग्वेज होगी एक भाषा होगी तो वो उनकी एकता के लिए पूरे भारतीयों की एकता के लिए अच्छा है इन विलेज कॉल चंपारण इवन ड्यूरिंग एक्सट्रीम फेमाइन कंडीशन द फार्मर हैड टू ग्रो कैश क्रॉप एंड पे ह्यूज अमाउंट एज टैक्स द फार्मर टुक आउट नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट इन ऑर्डर टू क्लेम बैक दियर राइट्स एंड वर सक्सेसफुल इन गेटिंग बैक दियर राइट्स अंडर द गाइडेंस ऑफ गांधी जी चंपारण बिहार का एक गाँव था वहाँ पर बहुत उस साल बहुत ज़्यादा आकाल पड़ गया ठीक है फैमाइन आ गया तो फार्मर ने को जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट वो प्रेशर करती थी कि वो क्या करे कैश क्रॉप उगाए जनरली जो इंडिको था इंडिको काम आता था किसके लिए कपड़ों को डाई करने के लिए तो उसको जो ब्रिटिश थे ज़बरदस्ती किसानों से उगाते थे और ले जा लेते थे, थे। और उनको एक तो क्या कहा कैश क्रॉप उगाने के लिए ज़बरदस्ती करने लगे इंडिको उगाने के लिए और दूसरा उन्हें बोला कि आपको टैक्स बहुत टैक्स में भी कोई रिबेट नहीं दी बहुत मोटा टैक्स जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे लेने लगी तो फार्मर को ने क्या किया प्रोटेस्ट किया गांधी जी ने उनके साथ मिलकर इसके अगेंस्ट आंदोलन किया और नॉन वायलेंट आंदोलन किया अहिंसा आहिस, पूर्वक आंदोलन किया और इसका ये फायदा हुआ कि वो लोग क्या हुए सक्सेसफुल हो गए मतलब जीत गए इस आंदोलन में और ही वॉज ऑल्सो सपोर्टेड द इस्लामिक खलीफा राइट्स इन टर्की विच ऑल्सो लीड टू सिक्योर मुस्लिम सपोर्ट फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस तो एक तो ये हुआ चंपारण का आंदोलन में गांधी जी को सफलता मिली उसके साथ साथ उन्होंने क्या इस्लामिक खलीफा जो था उसके टर्की का जो खलीफा था उसके राइट के लिए भी क्या किया जो मुस्लिम को सपोर्ट दिया तो इन सब वजह से गांधी जी क्या हुए फेमस होने लगे जलियावाला बाग मैस्कर जलियावाला बाग का जो आंदोलन था वहाँ जो जलियावाला बाग मैसकर द मीटिंग वॉज हेल्ड इन जलियावाला बाग ऑन थर्टीन अप्रैल नाइनटीन नाइनटीन विच वॉज अटेंडेड बाई ह्यूज नंबर ऑफ पीपल हु हैट गैदर टू लिसन देयर लीडर्स जलियावाला बाग कान क्या हुआ था एक मीटिंग थर्टीन अप्रैल नाइनटीन नाइनटीन की बात है पैसाखी का दिन था और जलियावाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे थे वो अपने जो लीडर हैं उसको सुनना चाहते थे जनरल डायर वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट इंडियन ही कुड नॉट टॉलरेट हिट दैम ऑन थर्टीन अप्रैल ही अलॉन्ग विद टू आर्म रीज द जलिया वाला बाग अब जो जनरल डायर था उसको ये बात पसंद नहीं थी वो क्या था इंडियंस के अगेंस्ट था उनकी इस तरीके से मीटिंग करने के अगेंस्ट था तो उसने क्या किया थर्टीन अप्रैल को उसने अपनी दो कार ले ली जो कि पूरी तरीके से क्या थी आर्म थी उसके अंदर मशीनें भरी हुई थी और साथ साथ पूरी तरीके से मेटल की प्रोटेक्शन लगी हुई थी उस पर वो कार ले ली और साथ साथ मशीन गन्स वगैरह लेके अपने नब्बे सोल्जर्स के साथ जलिया वाला बाग पहुँचा ही हैड हिज फोर्स ब्लॉकिंग द एंट्रेंस मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर एनी वन टू स्केप ऑल द अदर साइड हैज़ ह्यूज वॉल एंड बिल्डिंग अब वो जलिया वाला जो बाग था उसने क्या किया ब्लॉक कर दिया जो एंट्रेंस था जो जाने का रास्ता था उसको रोक दिया केवल एक ही रास्ता था और चारों तरफ बड़ी बड़ी क्या थी वो दीवारें बनी हुई थी और उसने उस रास्ते को बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया वहां अपने सैनिक खड़े कर दिए ही गेव द ऑर्डर टू फायर resulted रिजल्टेड इन of ऑफ of ऑफ पीपल killed एंड injuring many ऑफ them. और उसने ऑर्डर कर दिया एंट्रेंस पे ख़ुद खड़ा हो गया एक ही रास्ता था अंदर जाने का बाहर आने का अपनी सैनिकों के साथ और ऑर्डर कर दिया अपने सैनिकों को कि वो क्या करे सोल्जर्स को फायर करने का और उससे कई सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हो गए तो ये था जलियावाला बाग मैस्कर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट

और बहुत भी बहुत सारे ऐसी हुई थी कई लोगों ने इंडियंस ने अपनी लाइफ खो दी थी तो गांधी जी ने क्या किया रैलीज निकालनी शुरू करी और इस रैलीज में उनका दृढ़ निश्चय देखते हुए इस रैलीज में उनसे इंस्पायर हो के बहुत सारे लोग बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो भी इस मोमेंट में इस आंदोलन में शामिल हो गए विथ सच ह्यूज सपोर्ट गांधी जी अर्ज पीपुल टू बाइकआउ ऑल द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ ब्रिटिश थ्रू आ नेशनल वाइड नॉन कॉरपोरेशन मोमेंट और गांधी जी ने अपील करी लोगों से कि वो क्या करें बाइकॉट करें व, किसका जो ब्रिटिश प्रोडक्ट प्रोडक्ट है जो उनके सामान है और उनकी सर्विसेज हैं उनका पूरे नेशन में क्या करें बाइकॉट करें और उन्होंने इसको नाम दिया नॉन कॉरपोरेशन मोमेंट और आपको पता है बच्चों इन in विच इंडियन स्टेट इज जलियावाला बाग लोकेटेड जलियावाला बाग कहाँ है जलियावाला बाग इज़ लोकेटेड इन पंजाब एट अमृतसर कहाँ पर है अमृतसर में है अमृतसर कहाँ है पंजाब में है दिस मोमेंट हाउ एवर हैड टू बी विदड्रॉन बाई गांधी जी ड्यू टू चोरा चोरी चोरी चोरा इंसिडेंट अब इस मोमेंट को जो क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी को वापस लेना पड़ा किस वजह से चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था क्या था ये चोरा चोरी इंसिडेंट ह्यूज ग्रुप ऑफ अबाउट 2000 पीपल ऑन 4 फरवरी 1922 केम टू टू प्रोटेस्ट अगेन ए लिक्वर शॉप इन चोरी चोरा विच इज़ द टाउन नियर गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का एक गाँव था चोरी चोरा वहाँ पर चार फरवरी 1922 को क्या हुआ लगभग 2000 लोग जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया जो शराब की दुकान थी उसके लिए वो विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए थे इन ऑर्डर टू मेंटेन द सिचुएशन आर्म पुलिस वॉज सेंड टू द स्पॉट और सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा था पुलिस को भेजा था अपनी आ, पुलिस वहां पर पहुंची हुई थी द पुलिस फायर टू शॉट इन द एयर एज द मींस टू स्कैटर द क्राउड और पुलिस ने क्या किया हवा में दो गोलियां चलाई जिससे कि वहां भीड़ जो है वो बिखर जाए अब हाव एवर दिस टू स्टोन प्लेटिंग और ये देख के क्या किया लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए जो भीड़ थी उसने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए द पुलिस इन टर्न फायर अगेन विच किल्ड थ्री पीपल और पुलिस ने क्या किया इसके विरोध में गोली चलाई जिससे तीन लोग मारे गए द सॉक्ट मॉफ सैड फायर टू द पुलिस स्टेशन बिकॉज ऑफ विच ऑल द ट्वेंटी थ्री पुलिस मैन हु व इनसाइड वॉज बर्न ए लाइव और जो भीड़ थी मॉप थी उसको गुस्सा आया उन्होंने क्या किया पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया आग लगा दी और पुलिस स्टेशन के अंदर तेईस पुलिस वाले जो थे वो अंदर जिंदा जल गए तो कांग्रेस लीडर ऑन ट्वेल्व फरवरी नाइनटीन ट्वेंटी टू मीट एट और इसकी वजह से क्या किया मीट एट बारडोली वेयर गांधी जी टुक द डिसीज़न ऑफ विदड्रॉइंग नॉन कॉरपोरेशन मोमेंट अब फिर इकट्ठे हुए लीडर ट्वेल्थ फरवरी को और नाइनटीन ट्वेंटी टू को बारडोली में और गांधी जी ने ये डिसीज़न लिया कि अब मैं नॉन कॉरपोरेशन मोमेंट्स को विदड्रॉ कर रहा हूँ मतलब वापस ले रहा हूँ दिस क्रिएटेड क्वाइट ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन फाइनली द कांग्रेस लीडर एक्सेप्टेड दिस डिसीज़न इवन दो दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट अब क्या हुआ इसकी वजह से वो कांग्रेस के लीडर नहीं चाहते थे तो उनके वजह से मतभेद शुरू होने लग गए लेकिन जैसे बिना फिर भी उन्होंने गांधी जी के इस डिसीजन को माना वो इससे खुश नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने गांधी जी के इस डिसीजन को मान लिया On March 1922, Gandhi ji were arrested after the trial in ahmedabad he awarded 6 year in prison प्रेजेंट और नाइन्टीन ट्वेंटी टू टेन मार्च नाइनटीन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया ट्रायल के बाद उनको गांधी जी को क्या किया अहमदाबाद में छः साल के लिए जेल कर दिया दसाइमन कमीशन The institutional reform of nineteen ninety-nine were declared as insufficient by the Indians. Nationalist, and early reconsideration was demanded by them regarding the various provisions of constitutional constitution. in 1919 जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया लेकिन जो इंडिया के एक्टिविस्ट थे नेशनलिस्ट थे वो इससे सहमत नहीं थे उनकी डिमांड थी इसको वापस से क्या, -क्या किया जाए रिकन्सिडर किया जाए दिस लीड टू स्टेब्लिशमेंट ऑफ साइमन कमीशन इन नाइनटीन ट्वेंटी सेवन बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज द मीनस टू मेंटेन इंडिया लॉ एंड ऑर्डर और इसके लिए क्या किया गया साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया साइमन कमीशन बनाया और उसका काम था इंडिया में लॉ और ऑर्डर मेंटेन करे बट इन द सेम ईयर द कांग्रेस एट द मद्रास सेशन टुक द डिसीजन बाय कॉटिंग दिस कमीशन ऑन द ग्राउंड दैट देयर वर नो इंडियन अपॉइंटमेंट इन इट अब जो कमीशन बनाया गया था साइमन कमीशन उस वो किस लिए था कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार के लिए था जिससे कि जो इंडियंस हो उनको फ़ायदा मिले लेकिन उस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था तो मद्रास में नेशनल कांग्रेस का क्या हुआ सेशन हुआ और जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि वो साइमन कमीशन को क्या करेंगे विरोध करेंगे क्योंकि उसमें कोई भी इंडियंस नहीं हैं ब्लैक फ्लैग्स एंड स्लोगन ऑफ साइमन गो बैक greeted the Simon when it रीच India in 1928. अब साइमन कौन था साइमन कमीशन बनाया गया जिसकी अध्यक्षता में बनाया गया प्रेजिडेंसी में बनाया गया वो था साइमन जब वो इंडिया आया 1928 में तो जो इंडियंस थे या नेशनलिस्ट थे उन्होंने उसका विरोध किया उसको ब्लैक झंडे दिखाए और क्या कहा स्लोगन लिखा हुआ था बोल रहे थे लोग साइमन गो बैक साइमन वापस जाओ बी के दत्ता एंड भगत सिंह अटैक द डेली सेंट्रल रेजिडेटिव असेंबली ऑन एट अप्रैल नाइनटीन ट्वेंटी नाइन बाई थ्रोइंग अ बॉम्ब बिकॉज ऑफ विच भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु वर अवॉर्डेड द डेथ पैलेंटी अब इसी तरीके से बी के दत्ता और भगत सिंह ने क्या किया डेली जो सेंट्रल लेजिलेटिव असेंबली थी वहाँ पर एट अप्रैल नाइन्टीन ट्वेंटी नाइन को एक बम फेंक दिया अब इस वजह से उनको क्या हुआ भगत सिंह सुखदेव और गुरु राजगुरु को फांसी की सजा दी गई देर वर मैनी अदर प्रोमिनंट लीडर हु वर अ पार्ट ऑफ दिस मोमेंट सच है सरदार पटेल मौलाना आज़ाद डा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सी गोपला गोपालाचार्य मोतीलाल नेहरू और ये जो था नेशनलिस्ट जो आंदोलन चल रहा था मूवमेंट चल रहा था इसके बहुत से प्रोमिनेंट लीडर थे बहुत ही प्रसिद्ध लोग भी इसके लिए इसमें शामिल थे जैसे कि कौन कौन सरदार पटेल हो गए मौलाना आज़ाद हो गए राजेंद्र प्रसाद हो गए सी गोपालाचार्य जी हो गए और मोतीलाल जी नेहरू हो गए ये भी इस मूवमेंट का हिस्सा थे तस्विल डिस डिसऑबिडेंस मूवमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1930, थर्टी दिया वास ग्रेट डिप्रेशन वर्ल्ड वाइड द ब्रिटिश हैज़ इनक्रीज द टैक्सेज इन इंडिया बिकॉज ऑफ दिस अब हुआ क्या 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया मतलब मंदी आ गई जहाँ क्या होता है मंदी क्या होती है डिप्रेशन मतलब चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है चीज़ें कम मिलती हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रेट डिप्रेशन आया पूरे वर्ल्ड वाइड में अब ब्रिटिश ने क्या किया कि भाई पैसों की तंगी हो रही थी तो उन्होंने क्या किया टैक्स बढ़ा दिए जो इंडियंस थे उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिए इट डिड नॉट अफेक्ट द ब्रिटिश एट दे वुड कलेक्ट अनफेयर टैक्स फ्रॉम द इंडियन ऑन आइटम सच एज सॉल्ट अब यहाँ तक टैक्स बढ़ा दिए उन्होंने भाई कि हम पे कोई असर नहीं हो मतलब ब्रिटिश पे कोई असर नहीं हो कि वो सॉल्ट का भी टैक्स लेने लगे जो सॉल्ट बनाएगा नमक बनाएगा उस पर भी टैक्स लगेगा बिकॉज ऑफ दिस अनफेयर टैक्स ऑन सॉल्ट द सिविल डिस ऑबिडेंस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई गांधी जी तो अब ये बहुत गलत बात थी कि सॉल्ट जो कि क्या है पानी से नमक बनता था और उस पर भी टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है तो गांधी जी ने उसके विरोध में क्या किया सिविल डिस ऑबिडेंस मूवमेंट चालू किया इट वॉज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज डांडी सत्याग्रह और सॉल्ट मार्च और इसको क्या नाम जाना जाता है किस नाम से डांडी सत्याग्रह या फिर सॉल्ट मार्च के नाम से ये जाना जाता है द मार्च बिगेन फ्रॉम साबरमती एंड एंडेड एट डांडी वेयर गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट टैक्स बाय मेकिंग सॉल्ट अब जो शुरू हुआ ये साबरमती के आश्रम से शुरू हुआ और डांडी तक गांधी जी गए और उन्होंने वहाँ जाकर क्या किया नमक बनाया बिना टैक्स के नमक बनाया ठीक है तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया जो सॉल्ट टैक्स था उसके लिए गांधी जी ने जो नियम था उसको तोड़ दिए टैक्स देने के नियम को तोड़ दिया गांधी जी वॉज अरेस्टेड बिकॉज ऑफ दिस मार्च विच इन टर्न अरोस्ट ए पैशन इन द पीपल ऑफ इंडिया एंड रिजल्टेड इन नेशन वाइड प्रोटेस्ट अ लॉट ऑफ पीपल वर किल्ड एंड जेल वर फिल्ड विद सत्याग्रही अब जब गांधी जी को क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आ, आ, जेल कर दी जेल में डाल दिया तो क्या हुआ चारों तरफ भारत में क्या हुआ पूरे नेशन वाइड उसका प्रोटेस्ट शुरू हो गया उसके अगेंस्ट हो गए लोग कि ब्रिटिश गवर्नमेंट गलत कर रही है और कई लोग मारे गए उसमें और बहुत सारे सत्याग्रही जो थे गांधी जी के सपोर्टर थे उनको क्या किया गया जेल में डाल दिया गया अब मैंने आपको पहले ही बताया हो क्या था कि लाइसेंस लेके ही नमक बनाया जाता था और लाइसेंस लेने के लिए क्या दिया जाता था टैक्स पे करना पड़ता था द सत्याग्रह बिकम फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड वेयर एवरीबडी बिकम एवर ऑफ ऑल द हॉरिफिक कंडीशन इम्पोज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द इंडियंस क्लोज टू सिक्सटी थाउजेंड पीपल वर जेल्ड एज अ रिजल्टेड द गवर्नमेंट हैड टू विदड्रॉ दिस लॉ अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इतने सारे लोग जब जेल में गए मारे गए तो पूरी दुनिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्या हुआ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी कि इतना भयानक इतना भीषण कंडीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस की कर दी है ये सब लोगों को पता चल गया लगभग कितने लोग सिक्सटी थाउजेंड लोग जो थे वो जेल में चले गए थे इंडियंस और पूरे विश्व में ये बात सब देशों को पता चल रही थी इस वजह से क्या हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने इस लॉ को वापस ले लिया वर्ड यहाँ तक हमने पढ़ा कि गांधी जी ने कौन कौन से सत्याग्रह किए हैं तो स्टूडेंट इस चैप्टर को लर्न कीजिए और इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको टिक दूँगी उसको आपको खुद करने हैं लेसन को सुनना है पढ़ना है रीड करना है और उसके बाद उन क्वेश्चनों को करना है हैव अ नाइस डे गुड बाय